बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक कबूले इस्लाम के वक़्त कितनी थी? सही जवाब है 37 या 38 साल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ाहरी हयात में कितनी नमाजें पढ़ाई? सही जवाब है 17 नमाजें। हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? सही जवाब है हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किन अहबाब ने कब्र में उतारा? सही जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसकी दावत पर मुसलमान हुए? सही जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर। हज़रत बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का नाम हव्वा क्यों हुआ है? सही जवाब है हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का नाम हज़रत हव्वा इसलिए है कि ये लफ्ज़ हई से बना है, इसके मानी है जिंदा। चूँकि आप जिंदा इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई, इस मुनासबत से आपका नाम हव्वा रखा गया। किस नबी के मुंह में फरिश्ते ने आग का अंगारा रख दिया और वजह क्या है? सही जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह में जब फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा बनाया तो फिरौन की बीवी आसिया ने कहा कि ये तो नादान बच्चा है, अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। इस पर फिरौन ने एक तश्त में आग और एक में याकूत सुर्ख आपके सामने पेश किया तो आप याकूत उठाने लगे तो फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से आपका हाथ आग पर रख दिया और अंगारा आपके मुंह में दे दिया।